हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि ग्रुप्स को हम हाइड कैसे करते हैं। जो ग्रुप्स में हम एंट्री करना चाहते हैं, जिन ग्रुप्स को हम लेना चाहते हैं, सिर्फ वही ग्रुप शो होंगे, उन्हीं के लेजर्स शो होंगे। ऐसी एक ट्रिक है टैली में। तो हमारे एक व्यूअर हैं अमन ठाकुर, जिन्होंने ये पूछा है। आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे कर पाएंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, गेटवे ऑफ टैली पर हम आ चुके हैं। अब यहां से हमें जो लेजर्स बनाने हैं या जो भी हमें करना है, यहां से हम करते हैं। तो जब भी हम लेजर्स क्रिएशन में जाते हैं, जैसे सपोज कीजिए यहां लेजर हमको कोई बनाना है, ठीक है। तो जब भी हम लेजर बनाते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैं यहां पे कोई भी लेजर बनाने की कोशिश करता हूं, तो यहां पे ये सारे ग्रुप्स डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि सिर्फ सन्डरी डेटर या सन्डरी क्रेडिटर या किसी एक ग्रुप का लेजर या दो ग्रुप या तीन ग्रुप का लेजर डिस्प्ले हो, तो हमें कैसे क्या करना चाहिए, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए अकाउंट इन्फो पे मैं हूं और आपको आना है वाउचर टाइप्स पे, क्लिक करना है, इस पे इंटर करना है और फिर यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब सपोज कीजिए इन्होंने परचेज की बात करी है, आप इसी तरह से परचेज में भी काम कर सकते हैं, परचेज का भी बना सकते हैं। मैं परचेज का ही बना देता हूं, यहाँ पे लिखेंगे परचेज, ठीक है। और ये परचेज के लिए मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो परचेज वी कर देता हूं मैं और यहां पर आएंगे, यहां पर हमको सिर्फ परचेज ही चाहिए होगा, तो यहां पे परचेज पी दबाएंगे तो परचेज ऑर्डर या परचेज जो भी है। तो अभी हमको परचेज ऑर्डर के बारे में बात ही नहीं करनी, सिर्फ परचेज के बारे में बात करनी है। तो यहाँ परचेज में इसको रख लेते हैं, एब्रीविएशन इसका जो भी डालना हो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और यहां पर ऑटोमेटिक रख देते हैं हम, ठीक है। इंटरप्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं अगर, और यहां पर हमें देना है परचेज वी, इंटरप्रेस करता हूं। अब यहां पर आ रहा है इंक्लूड एंड एक्सक्लूड ग्रुप्स, ठीक है। तो यहां से आप सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं एक्सक्लूड ग्रुप दे रहा है। एक्सक्लूड ग्रुप माने इनको आप बाहर रखना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें बैंक अकाउंट्स की जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं। बैंक ओसीसी इसकी भी जरूरत नहीं अभी फिलहाल, और ब्रांच डिवीजन इसकी भी जरूरत नहीं, ठीक है। कैश इन हैंड की भी अभी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम परचेज और इसमें काम करेंगे। तो अब इसको एंड ऑफ लिस्ट करके, और यहां पर जिनकी जरूरत है जैसे सन्डरी क्रेडिटर और सन्डरी डेटर, तो यहाँ सन्डरी क्रेडिटर किया हमने, ठीक है, और यहाँ पे सन्डरी डेटर कर देते हैं। इंटरप्रेस करता हूं, यहाँ पे लेजर का नाम आएगा तो परचेज का लेजर है। इंटरप्रेस करता हूं, इंटरप्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेता हूं, ठीक है। एक्सेप्ट करा लिया हमने। अब जब भी हम एंट्री बनाएंगे तो सिर्फ सन्डरी डेटर और सन्डरी क्रेडिटर के लेजर्स डिस्प्ले होंगे। आइए देखते हैं कि क्या ये बात सही है। तो अभी हमको आना है परचेज में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं परचेज वी के नाम से ये हमने वाउचर क्लास बना रखी है, तो ये यहाँ पे वाउचर टाइप में परचेज वी वाला हमारा था, यहाँ पर आ गए हम, ठीक है। और क्लास का नाम इसका परचेज वी दिया था हमने, तो यहां पर आ गए। अब हमको परचेज वाउचर में एंट्री बनानी है, तो यहां पर सबसे पहले हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल लेते हैं। इनवॉइस नंबर डालने के बाद यहां पर अब देखिए सिर्फ डेटर और क्रेडिटर पार्टी के ही लेजर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। ये जो बनाए हुए लेजर्स हैं ये या तो डेटर पार्टी के हैं या तो क्रेडिटर पार्टी के हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परचेज में यहाँ क्रेडिटर आता है, तो जैसे मान लीजिए कोई भी एक क्रेडिटर पार्टी का लेजर हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूं एड्रेस न्यू कॉलोनी देवरिया, ठीक है। ये बहुत इजी है, इंटरफेस करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे इसको। एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पर जो लेजर्स हमने बनाए थे, ठीक है, जो स्टॉक आइटम हमने बनाए थे वो ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे कीबोर्ड ले लिया हमने देवरिया गोडाउन से और 5 आइटम कीबोर्ड के ले लिए, ठीक है। फिर एंटर करके नीचे आए, फिर देखते हैं कौन सा आइटम है हमारे पास, डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप ले लेते हैं 2 आइटम देवरिया गोडाउन से, ठीक है। अब इसी को एक्सेप्ट करा लेते हैं, रहा नहीं तो अभी इसको रहने देते हैं, इंटरप्रेस करके और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे हम, ठीक है। परचेज वी नाम के इस तरह से हम इसको बना सकते हैं।